फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि AWS हम लोग कुबरनेट कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपको अपने पर्सनल लैपटॉप में मिनी क्यूब इंस्टॉल करना होगा तो कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर AWS में हम लोग को कुबरनेट इंस्टॉल करना होगा तो कैसे करेंगे। तो इससे हम लोग कहते हैं कॉप्स, ठीक है। तो कुबरनेट को जब हम लोग AWS इंस्टॉल करते हैं इसे कॉप्स कहते हैं। तो कॉप्स इज ऑफिशियली कुबरनेट प्रोजेक्ट फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्शन ग्रेट कुबरनेट क्लस्टर। तो मैं बताया था कि जो मिनी क्यूब होता है वो बेसिकली डेवलपमेंट पर्पज के लिए होता है, टेस्टिंग पर्पज के लिए होता है, अगर आपको कुछ टेस्ट करना है। लेकिन आपको प्रोडक्शन में यूज करना है तो आप कॉप्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आप AWS प्लेटफॉर्म में एज ए प्रोडक्शन में आप कॉप्स एज ए कुबरनेट को यूज करेंगे, इसे कॉप्स कहते हैं। कॉप्स स्टैंड फॉर कुबरनेट ऑपरेशन। कॉप्स इज करंटली द बेस्ट टूल फॉर डिप्लॉय कुबरनेट क्लस्टर टू Amazon वेब सर्विस। तो ये बहुत अच्छा टूल है अगर आपको AWS में कुबरनेट क्लस्टर को डिप्लॉय करना है। कॉप्स हैज कमांड फॉर क्रिएटिंग क्लस्टर अपडेटिंग सेटिंग अप्लाइंग चेंजेस। तो कॉप्स में कमांड होती हैं जिसके थ्रू आप क्लस्टर क्रिएट कर सकते हो, सर्विस क्रिएट कर सकते हो, पॉड बना सकते हो, सर्विस सेटिंग को अपडेट कर सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी कुछ जो भी कुबरनेट के आपके फंक्शंस हैं, जो भी ऑपरेशन है, आप सारा कॉप्स के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। कॉप्स ऑटोमेट ए लार्ज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कुबरनेट ऑन AWS एंड कॉप्स ओनली वर्क ऑन मैक एंड लिनक्स। तो कॉप बेसिकली लिनक्स और मैक में ही वर्क करता है। तो चलिए अब मैं कॉप्स को आपको कैसे इंस्टॉल करते हैं तो वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। सो मेरे पास एक Ubuntu मशीन है, मैं इसमें कॉप्स इंस्टॉल करूँगा और इसके थ्रू इसमें मैं कॉप्स इंस्टॉल करूँगा, इसमें मैं क्यूब कटल इंस्टॉल करूँगा और इसके थ्रू मैं AWS में मैं कुबरनेट को डिप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास एक बेस Ubuntu मशीन है। तो चलिए मैं अपने AWS प्लेटफॉर्म में लॉगिन होता हूँ। तो देखिए ये मेरा AWS प्लेटफॉर्म है। अगर मैं यहाँ पे EC2 में जाता हूँ, मैं मुंबई रीजन में हूँ इस समय, तो मेरे पास कोई भी रनिंग इंस्टेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फ्रेश मशीन है पूरी तरह से। अब मैं पहले जो मेरा Ubuntu मशीन है इसके थ्रू मैं क्या करूँगा, AWS में कुबरनेट को डिप्लॉय करूँगा। तो चलिए उसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो मैंने नोट्स बना रखे हैं, ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो पहले मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ कॉप्स। तो कॉप्स इंस्टॉल करने के लिए पहले मैं कॉप्स के पैकेज को इंस्टॉल डाउनलोड करूँगा। तो कर्ल कमांड से मैं कॉप्स के पैकेज को डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। जो कॉप्स लिनक्स वर्जन, जो उसका वर्जन कौन सा डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं कॉप्स लिनक्स AMD64 वर्जन में डाउनलोड करूँगा। उसके बाद मैं उसको क्या करूँगा, उस जो कॉप्स डाउनलोड होगा उसको मैं एग्जीक्यूटेबल परमिशन दूंगा और उसके बाद मैं उस जो पैकेज को जो एग्जीक्यूटेबल परमिशन दी है कॉप्स के, जो मैंने पैकेज डाउनलोड किया होगा उसको मैं यूजर लोकल के अंदर बिन के अंदर मैं मूव कर दूंगा MV कमांड के थ्रू। तो चलिए पहला मैं परफॉर्म करता हूँ कि मैं पहले कॉप्स को क्या करता हूँ, पहले मैं कॉप्स को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखिए पहले मैं अगर दिखाऊं तो मैं ls-l कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कोई भी पैकेज मेरे पास अभी डाउनलोड नहीं है। सो मेरे पास कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं है, तो मैं डाउनलोड नहीं है कॉप्स का। तो मैं इस कमांड कल कमांड के थ्रू मैं कॉप्स के पैकेज को डाउनलोड करूंगा। देखिए पैकेज डाउनलोड होना में स्टार्ट हो गया है। अप्रॉक 160 MB का ये पैकेज होगा। तो देखिए ls-l करता हूँ तो मेरे पास कॉप्स का पैकेज डाउनलोड हो गया, लेकिन इस पैकेज में कोई भी एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। तो मुझे एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी, तो chmod प्लस एक्स मिस एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दो, किसको, कॉप्स को। तो मैं दे दी ls-l करके देखता हूँ परमिशन असाइन हुई है नहीं। तो देखिए ग्रीन कलर का हो गया और देखिए एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिल गई है। तो मीन्स ये आपका एग्जीक्यूटेबल परमिशन इसमें असाइन हो गई। अब मैं इसे मूव कर देता हूँ MV, इसको कहाँ मूव करना है मुझे, कॉप्स को मूव करना है मुझे यूजर के अंदर, लोकल के अंदर, बिन के अंदर, ठीक है। तो मैंने इसे मूव कर दिया देखने के लिए यूजर लोकल। देखिए यहाँ पे कॉप्स आ गया। तो मेरा
एक टास्क, एक पार्ट कंप्लीट हो गया जिसमें मैंने कॉप्स को डाउनलोड किया, उसको एग्जीक्यूटिव परमिशन दी एंड उसको मैंने यूजर लोकल के अंदर बिन के अंदर मूव कर दिया। चलिए अब मैं इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्यूबकटल को इंस्टॉल करूंगा, डाउनलोड करूंगा फिर इंस्टॉल करूंगा। तो क्यूबकटल का बेसिकली यूज क्या होता है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि क्यूबकटल के थ्रू ही आप अपने जो कुबरनेट क्लस्टर है उससे इंटरेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। क्यूबकटल के थ्रू ही आप कुबरनेट में आप क्लस्टर बना पाएंगे, पॉड देख पाएंगे, उसको उसको मॉनिटर कर पाएंगे, उसको कॉन्फिगर कर पाएंगे। तो इसके लिए क्यूबकटल मुझे इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। चलिए सबसे पहली कमांड है मेरी क्यूबकटल को, मैं क्या कर रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ। पहली कमांड है मेरी बेसिकली क्यूबकटल की, जो मैं की को डाउनलोड ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्यूबकटल की की को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने कमांड रन की, तो देखिए की मेरी ऐड हो गई, ओके पर ओके आउटपुट आ गया। मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल बना रहा हूँ। ये मैंने पहले लास्ट लेक्चर में ही बताया है कि कैसे क्यूबकटल इंस्टॉल करते हैं, तो सेम कमांड मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो में भी। तो टच कमांड से मैं एक कमांड बना रहा हूँ ईटीसी के अंदर, ऐप के अंदर सोर्स लिस्ट डॉट डी डायरेक्टरी के अंदर, क्यूबरनेटेड डॉट लिस्ट के अंदर मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ये देखिए फाइल मेरी क्रिएट हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उस पैकेज को, उसकी लाइब्रेरी को ऐड करूंगा एप गेट में। उसकी डिपेंडेंसी एंड लाइब्रेरी को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ठीक है। तो मैंने उसका यूआरएल, जिस जहाँ से क्यूबकटल डाउनलोड होगा उसके यूआरएल को मैंने ऐड कर दिया। पहले मैंने की ऐड की, फिर मैंने यूआरएल ऐड कर दिया उसका। अब मैं ऐप गेट अपडेट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे इंस्टॉल करना है क्यूब कटल। तो मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। तो ऐप गेट इंस्टॉल हाइफन वाई मिस कंफर्मेशन के लिए क्यूब कटल को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मैं क्यूब कटल इंस्टॉल हो गया। आप कैसे चेक करेंगे कि सक्सेसफुल इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए आप यहाँ पे कमांड टाइप करिएगा क्यूब कटल और एंटर प्रेस करिएगा। तो देखिए जितने कमांड के आउटपुट हैं वो सब दिखा रहा है। तो मीन्स क्यूब कटल से आप रोल बैक, स्केल आउट, स्केल ऑटो स्केल और जो भी टास्क का परफॉर्म कर सकते हैं सारा उसकी कमांड पैरामीटर दिखा रहा है। तो मीन्स क्यूब कटल मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो मेरे दो स्टेप हो गए, पहले मैंने क्या किया, कॉप्स को इंस्टॉल डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, फिर मैंने क्यूब कटल को इंस्टॉल किया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इंस्टॉल करना है पाइथन पिप इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो कमांड है एप गेट इंस्टॉल पाइथन पिप। यस फॉर कॉन्फर्मेशन। तो थर्ड स्टेप मेरा था पाइथन पिप को इंस्टॉल करना। अब नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा कि AWS CLI का यूज करना है। आपको पता है AWS CLI के थ्रू ही हम लोग AWS अकाउंट में कोई भी रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो AWS CLI को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दूंगा मैं, और उसके बिहाफ में, उसके एक्सेस की और सीक्रेट की के बिहाफ में हम लोग AWS में कॉप्स के थ्रू कुबरनेट क्लस्टर को इंस्टॉल करेंगे। पहले सेटअप करेंगे फिर इसको उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जब तक मेरा ये इंस्टॉल हो रहा है, तो अब मुझे इसके बाद क्या करना पड़ेगा, AWS CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस कमांड होती है ऐप इंस्टॉल AWS CLI। देखिए मेरा पाइथन पिप इंस्टॉल हो गया। मैं स्क्रीन क्लियर कर दे रहा हूँ। अब मैं AWS CLI को इंस्टॉल कर रहा हूँ। प्रेस यस फॉर कंफर्मेशन। देखिए AWS CLI मेरा इंस्टॉल हो गया, लगभग हो रहा है। तो मेरा AWS CLI भी इंस्टॉल हो गया है।
अब देखिए मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है कि अपने AWS अकाउंट में मुझे एक यूजर बनाना पड़ेगा, उस यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देना पड़ेगा और उसकी एक्सेस की और सीक्रेट की को जनरेट करना पड़ेगा। उस एक्सेस की और सीक्रेट की को मुझे इस मशीन में कॉन्फिगर करना पड़ेगा। AWS सीलाई मैंने इंस्टॉल कर लिया है। AWS सीलाई इंस्टॉल करने के बाद AWS कॉन्फिग कमांड होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस की और सीक्रेट की को कॉन्फिगर करेंगे, तो ये मशीन आपके AWS अकाउंट को एक्सेस कर पाएगी और उस यूजर के बिहाफ में कुबरनेट को AWS में इंस्टॉल कर पाएगी। ठीक है, तो मैं बेसिकली अपने जो रूट यूजर है मैं उसी यूजर का एक्सेस की और सीक्रेट की यूज करूंगा। तो एक्सेस की और सीक्रेट की कैसे आप जनरेट कर सकते हैं या कैसे आप उसको इनेबल कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने जिस यूज, ये मेरा रूट यूजर है, इस समय मैं रूट यूजर से लॉगिन हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप एक अदर यूजर भी बना सकते हैं और उसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे दीजिएगा परमिशन, और उसके बाद उसकी एक्सेस की और सीक्रेट की जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा यूजर लॉगिन करने के बाद, या जब यूजर बनाते हैं तब भी ये ऑप्शन आपको मिलेगा कि आप उसकी एक्सेस की और सीक्रेट की जनरेट कर सकते हैं। तो आपने लॉगिन कर लिया, उसके बाद भी आप एक्सेस की और सीक्रेट की जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो आपको एक्सेस की और सीक्रेट की का ऑप्शन यहाँ पे देगा। ठीक है, तो ये देखिए एक्सेस की एंड सीक्रेट की आईडी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरे एक्सेस की ये है, सीक्रेट की आपकी फर्स्ट टाइम आप जब डाउन क्रिएट करते हैं तभी डाउनलोड हो जाती है एक्सेस की और सीक्रेट की। तो मैं उसी एक्सेस की और सीक्रेट की का यूज करूंगा, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। अगर आपके पास यहाँ पे एक्सेस की और सीक्रेट की नहीं दिख रही है तो आप क्रिएट एक्सेस की करेंगे तो सेम ही आपके साथ एक्सेस की और सीक्रेट की आपके पास आ जाएगी। तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और कहीं सेफ जगह स्टोर कर लीजिएगा, और उसको आप जब लैब परफॉर्म कर लें तो उसको डीएक्टिवेट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि तो अगर ये गलत हाथों में पड़ गई तो आपका अकाउंट वो पूरी तरह मैनेज कर सकता है बंदा। ठीक है, तो मैंने एक्सेस की और सीक्रेट की ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो ये मेरे पास एक्सेस की और सीक्रेट की है, मैं इसका यूज कर रहा हूँ। ये एक्सेस की, तो मैं अपनी मशीन में जाता हूँ। AWS सिलाई इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको कॉन्फिगर करना होगा एक्सेस की और सीक्रेट की, तो कमांड होती है AWS कॉन्फिगर एक्सेस की, पूछ रहा है एक्सेस की आपने डाल दी यहाँ पे। तो अब आपको सीक्रेट की डिफाइन करना है, तो सेम फाइल में सीक्रेट की भी है मेरे पास, तो ये देखिए सीक्रेट की, तो सीक्रेट की यहाँ से है, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया। ठीक है, रीजन पूछ रहा, तो मेरे AP साउथ वन रीजन है, मीन्स मुंबई रीजन है, मैंने AP साउथ वन डाल दिया। आप यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपका कौन सा रीजन में आप डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो तब मैं वापस जाता हूँ, देखिए तो देखिए मुंबई रीजन को AP साउथ वन रीजन भी कहते हैं हम लोग, तो ये ECD में आया मैं, और मुंबई को AP साउथ वन रीजन कहते हैं। तो आपको जिस रीजन में आपको रिसोर्स क्रिएट करने हैं तो वो रीजन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सारे रीजन यहाँ पे साइड में दिए हुए हैं। उसके बाद आउटपुट में आप एंटर प्रेस कर दीजिएगा, तो आपका AWS कॉन्फिगर आपने कर लिया प्रॉपरली, एक्सेस की सीक्रेट की और रीजन आपने डिफाइन कर लिया। तो आपने फोर स्टेप परफॉर्म कर लिए, कॉप्स डाउनलोड कर लिया है, फिर आपने कुबकटल डाउनलोड कर लिया, फिर पाइथन पिप इंस्टॉल किया, फिर AWS सीलाई इंस्टॉल करके उसने आपको आपने उसमें एक्सेस की और सीक्रेट की को कॉन्फिगर कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप आपको अगर अगर कोई अदर अकाउंट बनाना हो, ठीक है, आपको अगर रूट यूजर नहीं बनाना है, कोई अदर यूजर बनाना है, तो आप एक कॉप्स यूजर बना सकते हैं या कोई भी यूजर बना सकते हो, उसको ये सारे परमिशन दे सकते हैं। तो वो है, तो यहाँ तक मैंने स्टेप परफॉर्म कर लिया, एक्सेस की और सीक्रेट की मैंने असाइन कर दी है। अब मुझे क्या करना है, एक S3 बकेट बनाना है। ठीक है, S3 बकेट क्यों बनाते हैं, कि जो कुबरनेट के क्लस्टर बनेगा उसकी जो स्टेट होंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपकी इस S3 बकेट में स्टोर होगी, तो इसलिए मुझे S3 बकेट बनानी पड़ेगी। तो इस S3 बकेट को मुझे बनाना पड़ेगा, तो चलिए देखिए अपने AWS अकाउंट में जाते हैं और एक S3 बकेट बनाते हैं। तो देखिए मैंने S3 मैनेजमेंट कंसोल खोल रखा है, और यहाँ पे मैं क्रिएट बकेट करता हूँ। बकेट का नाम मैंने दिया कॉप्स, आप कुछ भी दे सकते हैं, स्टेट मैंने कॉप्स स्टेट और 1988 करके मैंने इसके बकेट का नेम दे दिया। रीजन आप जिस रीजन में आपको क्रिएट करना होगा कुबरनेट, सेम रीजन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा S3 बकेट का भी। तो मैंने AP साउथ वन रीजन सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। तो इस बकेट का यूज़ क्या है, जो आप कुबरनेट बनाएंगे उसके स्टेट की इन्फॉर्मेशन यहीं पर स्टोर होगी। ठीक है, इसलिए कुबरनेट उसकी इन्फॉर्मेशन जब फेच करेगा तो इस बकेट से ही करेगा। चलिए उसके बाद आप ब्लॉक और पब्लिक एक्सेस को मैंने डिनाई कर दिया, ब्लॉक और पब्लिक एक्सेस मैंने
यहाँ पे डिसेबल कर दिया, मीन्स मैं अपनी बकेट को पब्लिक करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से टिक हटा दिया, और उसके बाद मैं एक्नॉलेज में मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और उसके बाद मैंने क्रिएट बकेट कर दिया, तो मेरी बकेट क्रिएट हो गई है। देखिए इसका नाम कॉप्स एंड डैश स्टेट डैश 1988 मैंने बकेट का नाम दिया है मुंबई रीजन में। तो चलिए ये स्टेप भी परफॉर्म हो गया, 5 स्टेप मेरे परफॉर्म हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, मेरी S3 बकेट का भी स्टेट परफॉर्म हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि अगर पहले जो होता था कॉप्स का वर्जन जो होते थे, पहले जो आपके ओल्डर वर्जन होते थे, उसके लिए अगर आपको कॉप्स इंस्टॉल करना है आपको अपने AWS अकाउंट में, तो आपको एक डोमेन वैलिड डोमेन की नीड पड़ती थी, तो आपको एक डोमेन नेम परचेज करना पड़ता था। तो अगर आपको डोमेन नेम परचेज करना है तो आप Root53 में जाके डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं। तो देखिए Root53 में जाएंगे आप, यहाँ अगर या तो आपके पास डोमेन नेम ऑलरेडी हो, या अगर नहीं है तो आप Root53 में जाके डोमेन नेम परचेज कर सकते थे। उसी डोमेन नेम के बिहाफ में आपका कुबरनेट का क्लस्टर क्रिएट होता था, ठीक है। लेकिन ये ओल्डर वर्जन में था, लेकिन अभी जो वर्जन आ रहे हैं कॉप्स के, उसमें अगर आपके पास डोमेन नेम नहीं है तब भी आप अपने क्लस्टर को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में है और आपको डोमेन नेम परचेज करना है, तो आप Root53 में जाके अब यहाँ पे रजिस्टर डोमेन नेम में आप डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं और यहाँ पे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हमारे केस में क्या है कि मेरे पास डोमेन नेम नहीं है, तो मैं विदाउट डोमेन नेम इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आपको डोमेन नेम की जरूरत पड़ती है, तो आप वहाँ पे, तो मैं बिना डोमेन नेम का यहाँ पे कुबरनेट क्लस्टर इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। अगर आपकी कंपनी में डोमेन नेम है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप विदाउट डोमेन नेम भी कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है। तो अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ बताया कि अगर आपके पास डोमेन नेम है तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कॉप्स का वर्जन 1.6.2 या उससे लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपके पास अगर डोमेन नेम नहीं है तो आप इस डोमेन नेम का यूज़ कर सकते हैं, कि ks.local डोमेन नेम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये पॉसिबल नहीं था ओल्डर वर्जन में, तो आपको डोमेन नेम परचेज करना पड़ता था, लेकिन अब ये पॉसिबल है। तो आप अगर आपके पास डोमेन नेम नहीं है तो k.k8s.local नाम डोमेन नाम से आप अपने कुबरनेट क्लस्टर को इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक SSH की जनरेट कर लेता हूँ। इस की से क्या होगा कि मैं जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट होंगे मेरे AWS अकाउंट में, जब मैं कुबरनेट क्लस्टर बनाऊंगा तो EC2 इंस्टेंस क्रिएट होंगे, जो उनको एक्सेस करने के लिए मैं इस SSH की का यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट होगी। SSH की को जब जनरेट करेंगे तो पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट होगी, तो प्राइवेट की के बिहाफ में ही मैं क्या करूंगा, जो EC2 बनेंगे कुबरनेट क्लस्टर जब बनेगा तो मास्टर नोड और वर्कर नोड बनेंगे, उनको एक्सेस करने के लिए ये की मेरी यूज में आएगी। तो मैं यहाँ पे SSH की को जनरेट कर लेता हूँ। तो मैं यूबंटू मशीन में गया और यहाँ पे कमांड होगी, मैं टर्मिनल को दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट सेशन कर देता हूँ, सेशन एक्सपायर हो गया जो रूट, और मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। मैं इस वाली टर्मिनल को इसको बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ कमांड पेस्ट करता हूँ, ठीक है। sh.keygen-f और ये आपकी sh.id ऐसे करके आप एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको कीजन में कोई पासफ्रेज अप्लाई करना है तो आप वो दे सकते हैं, अदरवाइज आप एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए, और देखिए की जनरेट आपकी जनरेट हो गई। अगर उसको रीड करना है तो कैट करके आप .ssh करके idrsa.ppeb मीन्स पब्लिक फाइल को रीड कर सकते हैं। तो ये आपकी SSH की पब्लिक फाइल है, और सेम आपकी प्राइवेट फाइल होगी, तो प्राइवेट फाइल खुद खुद कंप्यूटर के लिए यूज में आती है, और पब्लिक फाइल अदर कंप्यूटर में आपकी यूज में आती है। तो ये आपकी प्राइवेट फाइल है, प्राइवेट की है। तो देखिए ये आपकी प्राइवेट की है, ऊपर वाली आपकी पब्लिक की है, ठीक है। तो मैंने की जनरेट कर ली है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्लस्टर क्रिएट करना है। तो अगर आपको क्लस्टर क्रिएट करना है और आपके पास डोमेन नेम सपोज आपके पास example.com है, ठीक है, तो आप यहाँ पे नेम की जगह डोमेन नेम दे सकते हैं। तो कमांड क्या होगी, कॉप्स क्रिएट क्लस्टर हाइफन हाइफन यस हाइफन हाइफन स्टेट, उसकी स्टेट क्या होगी, जो भी आपने अपनी आपकी S3 बकेट बनाई होगी, तो स्टेट S3 बकेट का नेम देंगे आप, जोन आप AWS के किस जोन में किस रीजन रीजन के अंदर जोन आते हैं, किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आप
क्रिएट करना चाहते हैं कुबरनेट क्लस्टर, वो जोन आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, प्लस हाइफन हाइफन नोड काउंट टू, मीन्स कितने वर्कर नोड आप क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब कितने वर्कर नोड के ईसी टू इंस्टेंस आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हाइफन हाइफन नोड काउंट टू मीन्स दो वर्कर नोड मुझे क्रिएट करने हैं, हाइफन हाइफन नोड साइज, उनका नोड्स का साइज क्या हो, तो टी टू माइक्रो या जो भी आपको लेना हो, टी टू स्मॉल, टी टू मीडियम, आप जो भी ले सकते हैं। उसके बाद मास्टर साइज, मास्टर का क्या साइज देना है, वो भी मैंने टी टू माइक्रो दिया हुआ है। हाइफन हाइफन नेम, और यहाँ पे आप अपना डोमेन नेम दे सकते हैं कि आपका डोमेन नेम क्या होगा, जो भी आपका डोमेन नेम आपने रजिस्टर किया होगा वो आप यहाँ पे देंगे, सपोज एग्जाम्पल डॉट कॉम या आपकी कंपनी का जो साइट होगा वो आपका डोमेन आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन मेरे केस में क्या है कि मेरे केस में मेरे पास डोमेन नेम नहीं है, तो मैं टैश डॉट के एट डॉट लोकल करके मैं कुबरनेट का क्लस्टर क्रिएट करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई डोमेन नेम नहीं है। तो कॉप्स के, अगर आपके पास कॉप्स का वर्जन 1.6.2 से लेटेस्ट वर्जन है तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास डोमेन नेम नहीं है तो आप k8.s.local करके डोमेन नेम असाइन कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैं ये कमांड फायर करूंगा, कॉप्स क्रिएट क्लस्टर हाइफन हाइफन यस स्टेट, मैंने स्टेट दिया s3 बकेट, बकेट मेरी होगी कॉप्स, मैंने s3 बकेट का नेम दिया था कॉप्स अंडर डैश स्टेट डैश 1988, और जोन में देना चाहता हूँ AP साउथ 1A और AP साउथ 1B, दो जोन में देना चाहता हूँ, अवेलेबिलिटी जोन 1A एंड अवेलेबिलिटी जोन 1B। नोड में दो नोड लूंगा, दो वर्कर नोड लूंगा, उनका साइज टी टू माइक्रो होगा, एक मास्टर नोड लूंगा उसका साइज भी टी टू माइक्रो होगा, और डोमेन का जो नेम दूंगा, जो क्लस्टर का जो नेम दूंगा, वो मैं टेस्ट डॉट के एट एस डॉट लोकल दूंगा। ठीक है, तो ये मैं कमांड फायर कर रहा हूँ। तो मैंने ये कमांड यहाँ पे फायर की, तो देखिए क्लस्टर मेरा क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, सबनेट मेरे बन रहे हैं, देखिए सी आई डी आर असाइन हो गया, ये सी आई डी आर असाइन हुआ है साउथ 1A को, और ये वाला सी आई डी आर असाइन हुआ है AP साउथ 1B को। तो इस आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट में आपका क्लस्टर रेडी हो जाएगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे कमांड फायर की, तो देखिए आपके पास जब AWS कंसोल में जाएंगे तो आपके पास क्या होगा कि देखिए स्टार्ट हो गया Kubernetes CA सर्विस अकाउंट, तो आपके पास आपके AWS अकाउंट में EC2 क्रिएट होने चालू हो गए होंगे। ठीक है, तो आप EC2 कंसोल में जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसको हटाएंगे, तो यहाँ पे 3 EC2 इंस्टेंस क्रिएट होंगे, 2 वर्कर नोड के लिए और 1 मास्टर नोड के लिए। ठीक है, क्योंकि आपने देखिए एक स्टोर एक क्रिएट होना चालू हो गया, जो नोड है आपका वर्कर नोड। ठीक है, इसका डोमेन का नेम देखो टेस्ट डॉट के एट डॉट लोकल, यही मैंने डोमेन नेम दिया था। तो देखिए 1B में मैंने दिया था रीजन में अवेलेबिलिटी जोन में, तो देखिए 1B में एक मेरा वर्कर नोड क्रिएट हो गया है, जो 1B में जिसका नाम ये है नोड AP साउथ 1B, और उसका डोमेन नेम टेस्ट डॉट के एट एस डॉट लोकल है, और ये रनिंग कंडीशन में इसको रिफ्रेश करिए तो देखिए तीनों मेरे पास आ गए हैं। अभी तीनों की स्टेट मेरी अभी अप एंड रनिंग नहीं है, देखिए इनिशियलाइजिंग स्टेट में है तीनों के तीनों। तो देखिए ये नोड और ये नोड, ये वाला नोड ये आपका वर्कर नोड है जो 1A में है, और ये वाला वर्क आपका नोड ये वर्कर नोड है जो 1B में है, और ये देखिए ये आपका मास्टर नोड है। तो तीनों के तीनों नोड मेरे क्रिएट हो गए हैं, एक वर्कर नोड एक मास्टर एक दो वर्कर नोड एक मास्टर नोड, यही मैंने दिया था, और तीनों का साइज T2 स्मॉल दिया था, तो देखिए T2 माइक्रो दिया था, तो तीनों की तीनों तीनों T2 माइक्रो हैं, और मैंने अवेलेबिलिटी जो 1A और 1B दिया था, देखिए 1A और 1B में दो आपके नोड क्रिएट हुए वर्कर नोड, और जो मास्टर नोड है वो 1A में क्रिएट हुआ है। तो ये देखिए मेरा EC2 मतलब EC2 क्रिएट होने चालू हो गया, इन्हीं EC2 के अंदर मेरी कुबरनेट की सर्विस मेरी रन करेगी। तो चलिए मैं वापस अपने Ubuntu मशीन में चलता हूँ, तो देखिए क्लस्टर इज स्टार्टिंग, तो क्लस्टर मेरा हो रहा है स्टार्ट हो रहा है, इट शुड बी रेडी इन फ्यू मिनट, तो अभी इसमें टाइम लग सकता है, कुछ मिनट लग सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मिनट लग सकते हैं इसको रेडी होने में, क्लस्टर आपको रेडी और अप होने में, वो डिपेंड करता है आपने मशीन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी अच्छी है आपकी, जो उस मशीन के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा आपका क्लस्टर कितनी जल्दी अप एंड रनिंग हो सकता है। तो ये वैसे सजेशन दे रहा है कि वैलिड क्लस्टर कॉस्ट वैलिडेड क्लस्टर वेट 10 मिनट, मीन्स आपको 10 मिनट का वेट करना चाहिए क्लस्टर को प्रॉपर अप एंड रनिंग हो जाने के लिए। तो आप कम से कम 10 मिनट का वेट करेंगे उसके बाद चेक करेंगे। लिस्ट नोड कुबरनेट गेट नोड सो लेवल्स, तो आप जब आपका क्लस्टर रेडी हो जाएगा तो उसके बाद आप नोड को चेक कर सकते हैं, कूब सीटीएल गेट नोड करके आप कमांड टाइप करके चेक कर सकते हैं कि आपके नोड अप एंड रनिंग हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, अगर आपको मास्टर नोड को वो करना है, क्या करना है, एक्सेस करना है, तो आप कमांड SSH -i और ये कमांड करके उस मास्टर नोड को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, u12@api.test.k8s.local, ठीक है। इस कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने मास्टर नोड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और यूजर जो बना है वो यूजर u12 यूजर के यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप इस साइट में जाके उसको रीड कर सकते हैं। तो इसने सजेशन दिए हैं, तो मुझे कुछ समय वेट करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको क्लस्टर की हेल्थ पता करनी है तो आप क्लस्टर को पता करने हेल्प पता करने के लिए कमांड ये है, कमांड टाइप कर सकते हैं, कॉप्स वैलिडेट क्लस्टर --state। मैंने बताया था कि S3 में जो भी क्लस्टर होगा उसकी स्टेट फाइल स्टोर होंगी, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए S3 बकेट में जाता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी स्टेट फाइल क्रिएट होना चालू हो गई होंगी। तो ये देखिए मैंने ये बकेट बनाई थी कॉप्स डैश स्टेट डैश 1988, इसके अंदर जाते हैं। तो देखिए ये फोल्डर बन गया, जिस नाम का आपने क्लस्टर बनाया था उस नाम का फोल्डर बन गया test.k8s.local। और उसके अंदर देख जाएंगे तो देखिए ये उसकी स्टेट फाइलें सारी बन रही हैं उसकी, ठीक है। उसकी सीक्रेट की फाइल, उसकी मैनिफेस्ट फाइल, उसकी आई कॉन्फिग फाइल, तो बैकअप फाइल, सारी उसकी स्टेट फाइल यहीं पे स्टोर होती हैं। तो इसी फाइल के थ्रू रीड करके क्लस्टर की स्टेट को पता करता है कि क्लस्टर आपका क्या 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 स्टेट है, आप रनिंग है या अभी उसमें कोई एरर है। तो अगर आपको क्लस्टर के स्टेट पता करना है तो कमांड ये होती है कॉप्स वैलिडेट क्लस्टर -state S3 और S3 बकेट का नेम। चलिए मैं इस कमांड को फायर करता हूँ, यूबंटू मशीन में जाता हूँ, ठीक है। मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, सेशन फिर से डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे फिर से इसको रिकनेक्ट करना पड़ेगा। तो डुप्लीकेट सेशन, यूजर मेरा रूट, पासवर्ड है, मैंने पासवर्ड यहाँ पे मेंशन किया और स्क्रीन देखिए ये मेरा बंद हो गया, ठीक है। ठीक है, तो कमांड थी कॉप्स वैलिडेट क्लस्टर -स्टेट S3 और S3 बकेट का जो नेम है वो डाल दीजिए। तो मेरे S3 बकेट का नेम है कॉप्स स्टेट 1988, एंटर प्रेस करिए। तो वैलिडेटिंग कर रहा है क्लस्टर test.k8s.local क्लस्टर को ये वैलिडेट कर रहा है। एरर आ रही, वैलिडेशन फेल। अभी मैंने बताया था कि ये टाइम ले सकता है, तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये, ठीक है। आपको वेट करना होगा उस कंडीशन में। सो फ्रेंड, इस तरह आप अपने अपने AWS में आप कॉप्स के थ्रू कुबरनेटस क्लस्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो देखिए ठीक है, मेरे तीनों की तीनों मशीन, मेरी नोड और मास्टर मशीन तीनों की तीनों अप एंड रनिंग हो गई हैं। सो फ्रेंड, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।